सत्ता की साझेदारी यानी डिवीजन ऑफ पावर्स। अब होगा ये कि एक टेलीविजन है आपके पास, आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, बच्चे देखना चाहते हैं कार्टून, आप देखना चाहते हैं न्यूज और क्रिकेट, वाइफ देखना चाहती है कुछ घरेलू कार्यक्रम। अब अगर आपने साझेदारी नहीं की यानी कि समय नहीं बांटा कि भाई आप इस समय ये देख लेना, आप इस समय ये देख लेना, तब आप लोगों के बीच में थोड़ी सी तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि बीवी बोलेगी कि मुझे ये देखने दो, मेरा टाइम है। पति बोलेगा अभी क्रिकेट आ रहा है, मुझे देखने दो, बड़ी भयंकर न्यूज आ रही है, मुझे आज ये देखना है। तो यहां तनावपूर्ण स्थिति हो जाएगी। तो जब अगर आप बांट दें समय कि भाई आप तुम्हारा ये समय है, तुम ये प्रोग्राम देखो, तब तनाव की स्थिति हटाई जा सकती है, दूर की जा सकती है। बस यही है सत्ता की साझेदारी। आप तीनों, ये तीनों एक अलग अलग विविध प्रकार की प्रजातियां समझ लीजिए, समूह समझ लीजिए, रिलीजन समझ लीजिए, और आपकी टाइम आपको बांट दिए गए हैं ताकि आप प्रोग्राम देख सकें। आपने साझेदारी की है, यही चैप्टर है, इसी के बारे में बताया गया है। तो जो हमने पिछले साल देखा या पिछले मर्तबा हमने बात की कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के बारे में बात की, डेमोक्रेसी क्या है, उसमें क्या चीजें होती हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि जब सरकार की बात होती है, जब लोगों की बात होती है, और ऐसी सरकार या ऐसे देश के बारे में बात होती है जहां पर अलग अलग होते हैं लोग, हमने कहा ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर उंगली बराबर होती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो किसी भी देश की बात कर ले, चाहे यूरोपियन कंट्री की बात कर ले, अगर आप इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया में भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको इस्लाम मानने वाले तो मिलेंगे, साथ में और भी धर्म मानने वाले मिलेंगे। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर विविधता नहीं है। तो जहां विविधता आती है वहां सरकार में साझेदारी जरूरी हो जाती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर इनके बीच में बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से अगर शक्तियां डिस्ट्रीब्यूट है, अगर साझेदारी है, लोगों को बराबर चीजें दी गई हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये लोकतंत्र को अच्छा डिजाइन कहने में। आप कहेंगे लोकतंत्र का बड़ा अच्छा डिजाइन। हम दो कहानियां लेने वाले हैं, दो क्षेत्र देखने वाले हैं, दो कंट्रीज देखने वाले हैं, बेल्जियम और श्रीलंका, और वहां से जानेंगे कि किस तरीके से विविधता को बहुत अच्छी तरीके से डील किया गया, साझेदारी की गई सत्ता में, और कहां सत्ता में साझेदारी नहीं दी गई तो क्या रिजल्ट हुआ। तो लोकतंत्र में किस तरीके से शक्तियां बांटना, सत्ता को साझा करना जरूरी हो जाता है, और अगर नहीं बांटते हैं तो क्या नुकसान होते हैं, ये समझेंगे हम। पहले श्रीलंका के बारे में समझ लीजिए। श्रीलंका भारत के तमिलनाडु से के बगल में एक द्वीपीय क्षेत्र है, एक द्वीपीय यानी आइलैंड नेशन है। यहां पर हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम का ऊपर का इलाका जो है वो डच इलाका है, डच बोलने वालों का इलाका है, फ्रेंच वाला नीचे वाला इलाका जो है, यहाँ मोस्टली लोग फ्रेंच बोलते हैं, और ये 1% का इलाका है जहाँ लोग जर्मन बोलते हैं। बीच में राजधानी है ब्रसल्स, इसको ध्यान रखिएगा, आपको कहानियां समझ में आएंगी। बेल्जियम की बात से शुरू करता हूँ। बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा देश है। हरियाणा हमारा एक जो एक राज्य है जिसकी 2 करोड़ आबादी है, बेल्जियम की आबादी केवल 1 करोड़, यानी कि हरियाणा से भी आधी। इसकी जो बाउंड्रीज है वो लगती है नेदरलैंड से, फ्रांस से, लग्जमबर्ग से और जर्मनी से। अब इसमें देखिएगा 59% लोग, यहाँ जो पीला इलाका है 59% लोग बोलते हैं डच भाषा। 40% लोग यहाँ पर बोलते हैं, जो दूसरी भाषा यहाँ पर सबसे ज्यादा है वो है फ्रेंच, यह है 40%। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब फ्रेंच बोलने वाले कम है, डच बोलने वाला ज्यादा है। डच जिस इलाके में रहते हैं उसको बोलते हैं फ्लेमिश इलाका, और जहां पर फ्रेंच बोलने वाले रहते हैं इनको हम कहते हैं वेलोनिया इलाका। इसको मैं समझाऊं जरा आपको। आप देखिए, ये जो आपको पीला इलाका दिख रहा है ये है फ्लेमिश इलाका, डच भाषी क्षेत्र है। नीचे जो रेड इलाका है वो है फ्रेंच भाषी क्षेत्र, जिसको हम वेलोन बोलते हैं। यहां ये जो आपको लाइनें दिख रही है ये है आपका जर्मन भाषा क्षेत्र। यहां बीच में आप देखें येलो जो दिख रहा है वो है ब्रसल्स। ब्रसल्स बेल्जियम की राजधानी है। अब बात कहां आती है, ब्रसल्स में जरा आ जाएं। जब ब्रसल्स में हम आएंगे तो यहां पर थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। यहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब आई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेंच लोग हैं, क्योंकि वो 40% है, कम लोग हैं, और यहां ब्रसल्स में भी आप देखें कि
कुछ इस तरीके की विविधता है। तो पहले अगर मैं बताऊं कि अल्पसंख्यक, क्योंकि 40% है, वो लोग विकास और शिक्षा में थोड़ा पीछे रहे, उनको विकास और शिक्षा ज्यादा मिली। इसका मतलब जो फ्रेंच है वो ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा समृद्ध थे, पैसा उनके पास अच्छा था, शक्तिशाली रहे, अच्छे से जी रहे थे। लेकिन डच लोगों के पास थोड़ा देर में विकास और शिक्षा पहुंची। अब ब्रसेल्स में ये जो तनाव है दो समुदायों का, ये विलोनिया और फ्लेमिश इलाकों का या फिर वहां के लोगों का, इनके बीच में बड़ा तनाव था कि भाई डच बोलने वाले ज्यादा तो हैं, देखिए आप 59% है, लेकिन ये गरीब है, मतलब धन से थोड़ा कमजोर है, गरीब तो नहीं कहेंगे लेकिन धन से कमजोर है। आपने ये भाषा समझ ली, आपने ये क्लियर समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। हुआ ये कि बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई, मैं श्रीलंका में बाद में आता हूं, वहां पर क्या गलतियां हुई वो समझेंगे, पहले बेल्जियम की समझदारी समझिए। बेल्जियम ने बहुत अच्छे से जान लिया, पहचान लिया कि देखिए साहब, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में विविधता है, हमारे यहाँ डच लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं फ्रेंच और जर्मन्स भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से समझ लिया चीजों को कि देखिए हमको इन सबको मान्यता देने की, समझना पड़ेगा इन लोगों को कि हमारे पास विविधता है। तो 1970 और 1993 के बीच में इन्होंने 4 संशोधन किए अपने संविधान में, और इस तरीके का मैनेजमेंट तैयार किया, इस तरीके की व्यवस्था बनाई कि ये सब लोग जो 3 अलग अलग आप लोग देख रहे हैं वो एक ही देश में बहुत अच्छे से भाईचारे से मोहब्बत से रह सके। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, श्रीलंका की बात मैं बाद में करूंगा, पहले यहां समझिए इन्होंने समझदारी क्या दिखाई। इन्होंने जो इनका बेल्जियम का मॉडल था, इन्होंने किया क्या, पहली चीज समझ लीजिए कि संविधान में बिल्कुल क्लियर कहा गया, पहले इस फर्स्ट लेवल की सरकार बता रहा हूं जिसे हम डच और फ्रेंच भाषी जो केंद्रीय सरकार है, यानी मैं इसको सीजी लिख देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए इनकी। तो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, इसमें डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले, डच और फ्रेंच बोलने वाले बराबर बराबर मंत्री होंगे, यानी अगर ये 10 की संख्या है तो 5 इनके 5 इनके, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अगर कोई भी कानून बनना है तो दोनों भाषाई, डच भाषाई और फ्रेंच भाषाई की जो संसद है या सांसद है उनका बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि डच ज्यादा है, 59% है तो ये कानून बना ले, क्योंकि फिर तो फ्रेंच का कभी कानून नहीं बनेगा। तो दोनों समुदाय, दोनों लोग, दोनों भाषी बराबर बराबर है, और जब दोनों का बहुमत होगा तब कोई कानून बनेगा। पहली समझदारी तो उन्होंने ये दिखाई। दूसरे लेवल पे आते हैं, इन्होंने क्या किया कि अब देखिए इस तरीके से कुछ है, ये ऊपर का इलाका डच वालों का है, नीचे वालों का फ्रेंच वाला इलाका है। तो पूरा जो केंद्रीय सरकार है, इसके अलावा 2 और सरकारें चली अंदर की तरफ, यानी केंद्र सरकार के अलावा जो क्षेत्रीय सरकार है, एक जो डच के इलाके की सरकार है, एक जो फ्रेंच इलाके की सरकार है, उनको पावर दे दिए, यानी कि ये दोनों सरकारें अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ये अपने फैसले लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। दूसरी समझदारी उन्होंने ये दिखाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जब ये खुद अपना बना सकते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं। अब ब्रसेल्स की बात करते हैं, छोटा सा इलाका है जो इसकी राजधानी भी है। ब्रसेल्स में क्या हुआ कि जो दोनों समुदाय है उनका समान प्रतिनिधित्व मिला। कैसे, अब आप बोलेंगे या ब्रसेल्स में तो 80% लोग फ्रेंच है, 20% लोग डच है ब्रसेल्स में, फिर कैसे ये फ्रेंच लोग कैसे मान गए कि देखो हम लोग 80% है फिर भी आप डच लोगों को बराबर दे रहे हैं। तो अब आइए, आप ब्रसेल्स की बात कर रहा हूं, दूसरे लेवल पे तो ये बात हो गई, तीसरे लेवल पे हम आ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं ब्रसेल्स की, ये ब्रसेल्स की बात कर रहा हूं। ब्रसेल्स में क्या हुआ, यहां पर भी समान प्रतिनिधित्व दिया गया, जो ब्रसेल्स की सरकार है यहां पर अलग सरकार है, मतलब यहां पर अगर 10 लोग होंगे, 10 लोग मंत्री होंगे तो 5 डच भाषी होंगे, 5 फ्रेंच भाषी होंगे। अब यहां पर फ्रेंच लोगों ने क्यों माना, फ्रेंच मानो लोगों ने बड़े आसानी से सिलेक्ट कर लिया, इलेक्ट कर लिया और मान लीजिए इन्होंने अपनी चीजें मान ली, वरना ये लड़ाई भी तो कर सकते थे क्योंकि हम तो 80% है, हमको 8 दिया जाए, आप लोग 2 ले लो, 10 में से 8 हम, 2 आप, क्योंकि हम 80% है। लेकिन फ्रेंच लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें, सीजी जो केंद्रीय सरकार है, उसमें 59% करीबन 60% होने के बावजूद भी डच आधे है, और 40% ये होने के बावजूद भी फ्रेंच कम है, फिर भी ये आधे है। तो जब यहां पर आधा आधा तो यहां पर भी आधा आधा, ये समझदारी इन्होंने की। इसके अलावा एक और सरकार है, चौथे लेवल की सरकार है, जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि
सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार मतलब अब क्या क्या है यहां पर, यहां पर डच बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं, यहां पर बोलने वाले हैं जर्मन, तो ये अपनी अलग अलग सरकार चुनेंगे। जो सरकार सामुदायिक सरकार होगी, कम्युनिटी सरकार होगी, और इसका काम क्या होगा, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो शिक्षा है, उनके लिए फैसले अब ये कम्युनिटी सरकार ले पाएगी। चार लेवल की सरकार है, चार सरकारें अलग अलग तरीके से काम कर रही है। आपको लगेगा कि बेल्जियम के तो बड़ा मॉडल बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है, लेकिन इस जटिलता के बाद भी बेल्जियम में जो प्रॉब्लम हो सकती थी, जो गृह युद्ध हो सकता था, जो लोगों के बीच में तनाव हो सकता था, वो इन्होंने दूर किया इस समझदारी से कि सबको सत्ता में बराबर बराबर की साझेदारी दी। आप समझ गए क्या समझदारी इन्होंने की, सबको सत्ता में बराबर बराबर। अलग अलग समुदाय है, तीन अलग अलग समुदाय है, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उन सबको बराबर बराबर की इन्होंने हिस्सेदारी दी। और आज तक अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है बेल्जियम में। इस समझदारी को देखते हुए जब यूरोपियन यूनियन बना, यूरोपियन यूनियन ने कहा देखिए ऐसा है, ये जो ब्रसल्स है, बेल्जियम एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, हम ब्रसल्स को अपनी यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाएंगे। आपने देखा कितनी समझदारी की बेल्जियम वालों ने। अब आते हैं श्रीलंका। इन साहब लोगों ने क्या किया, ये आप जान के बड़ा आपको वो होगा, दुख होगा कि कैसे कैसे थोड़ी सी लालच, थोड़ी से बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी ना करने के कारण श्रीलंका में कितना बड़ा नुकसान। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जैसे मैंने आपको बताया। अब यहां पर क्या है, इस श्रीलंका को समझिए जरा, श्रीलंका को जिस तरीके से, यहां पर जो 74% लोग हैं वो सिंहली बोलते हैं, सिंहली भाषा वाले लोग हैं, और 18% लोग जो है वो तमिल भाषी है। अब इस 18% में जो 13% लोग हैं वो तो है जो यहां के नेटिव्स हैं, नेटिव्स कह देता हूं, जो यहां के मूल निवासी हैं। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं जो तमिल है वो उसे हम कहते हैं इंडियन तमिल। ये तमिलनाडु से जो उस इलाके हैं जो हिंदुस्तान के इलाके, वहां से यहाँ ले जाए गए थे क्योंकि यहाँ पर चाय वाय की खेती, बागान बहुत सारे हैं, वहां पर बागान में काम करने के ले गए थे। तो दो तरीके के आपके तमिल हो गए, एक जो नेटिव है वहां के मूल निवासी, एक जो यहाँ से आए गए थे, कहाँ से, जो हमारे यहाँ से गए थे, हिंदुस्तान से गए थे। बाकी 74% सिंहली। यहां पर बात आई, प्रॉब्लम शुरू हुई। सिंहली भाषा जो है बोलने वाले, वो धर्म भी उनका अलग है, इसका मतलब तमिल जो है, अब ये जो इलाका है देखिएगा, इसको मैं बना देता हूं, ये इलाका है तमिल का, जहां तमिल लोग ज्यादा रहते हैं। तो तमिल जो है मुख्य रूप से ये उत्तर वाला भाग, ये उत्तर वाला और ये जो पूर्वी भाग है, यानी कि उत्तर भाग और पूर्वी प्रांतों में कौन लोग रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं। अब सिंहली भाषा वाले जो लोग हैं वो अधिकतर बौद्ध हैं। अब धर्म का भी फैक्टर आ गया, बौद्ध धर्म वाले हैं, जबकि जो तमिल भाषी लोग हैं वो या तो हिंदू है या मुसलमान। कौन है, हिंदू है, मुसलमान। इसके अलावा एक और धर्म है, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, अब एक और धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म 7% लोग जो है, यानी श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। अब ये जो 7% लोग हैं जो ईसाई धर्म वाले हैं, वो सिंहली भी बोलते हैं और वो तमिल भी बोलते हैं। आप कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं। अब हुआ ये कि 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, यहां पर बहुसंख्यकवाद होने वाला है। अब जो लोग बहुसंख्यक थे यानी कि सिंहली भाषा वाले लोग थे, उनके बड़े बड़े नेता और जो सरकार चुनी गई, लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई, बाकायदा एक सरकार जो डेमोक्रेटिक सरकार बनी, लेकिन फिर भी नेताओं ने और जो समुदाय के जो नेता थे उन्होंने मिलकर अब अपना अधिकार जमाना शुरू किया। कहां, श्रीलंका में। कौन लोग अधिकार जमा रहे हैं, सिंहली लोग। सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो की, जो एक मील का पत्थर या कहे कि आखिरी फांस थी, इन्होंने 1956 में एक बकायदा अधिनियम पारित किया कि सिंहली भाषा पूरे देश की भाषा होगी, आधिकारिक राजभाषा कर दी। यानी तमिल वालों को ना देखा ना समझा, उनकी अवहेलना कर दी। एक और काम किया, चलिए भाषा तो ठीक है, बौद्ध धर्म को कहा कि अब बौद्ध धर्म जो है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ावा देंगे, तो बाकी हिंदुओं का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, ईसाइयों का क्या होगा। और वो तमिल जो सिंहली अगर आप मान लीजिए आप अंग्रेजी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं और आपको किसी ने कहा कि आपको कन्नड़ बोलना है, आप बोल पाएंगे,
यही विचारों के साथ प्रॉब्लम हुई। तो ये जैसी प्रॉब्लम आई, धीरे धीरे अलगाव की भावना बढ़ने लगी सहेली और बाकी लोगों में। नौकरियों में किसको प्राथमिकता दी जाने लगी, विश्वविद्यालयों में किसको प्राथमिकता दी जाने लगी, सरकारी नौकरियों में कौन आने लगा, शासन में जो शासन जो है तमिल और उनकी जो भाषा है संस्कृति उनके लिए बिल्कुल आंख मूंद लिया उसने, असंवेदनशील हो गया, उनके हितों की जो भी अनदेखी कर सकता था शासन प्रशासन ने किया। सिंहली और तमिल समुदायों के बीच अब ये सब होने के कारण तनाव बढ़ने लगा। तो आप देखिए, जब किसी को जब बहुत दबा देते हैं ना, तो वो फिर किसी न किसी पॉइंट पे फाइट बैक करता है, पलट के आता है। तमिलों को पलटना पड़ा, वो आए अपने अधिकारों के लिए, उन्होंने पार्टी और संघर्ष किया। आपने LTTE का नाम सुना होगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईड़म। ईड़म मतलब होता है सरकार। तो LTTE बना, यानी कि तमिल ईड़म बना, और बहुत सारे लोगों ने जो तमिल लोग थे उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईड़म, ये सब जो बना इनका, इन सब अलग अलग जो पार्टियां बनी, संघर्ष वाले अलग अलग संगठन बने, उनका कहना था हमें आप हमारा इलाका दे दीजिए, हमें ऑटोनोमस कर दीजिए, हमें स्वायत्ता दे दीजिए। क्या आप श्रीलंका ये मानने वाला था? नहीं माना। शुरू हो गई लड़ाई। अब जो घर में लड़ाई होती है ना, जब आप और आपके पड़ोसी के बीच में लड़ाई होती है तो इसे कहते हैं वॉर, लेकिन जब आप और आपके भाई के बीच में लड़ाई होती है इसको हम कहते हैं सिविल वॉर। यानी यहां पर जब सिंहली और ये तमिल के बीच में जब लड़ाई शुरू हो गई, इसको कहते हैं हम ग्रह युद्ध। ये ग्रह युद्ध शुरू हो गया, एक घर में लड़ाई शुरू हो गई। तो ये जो ग्रह युद्ध है ना, आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया था, हिंदुस्तान से श्रीलंका बहुत आगे था हर मामले में, एजुकेशन के मामले, स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन इस सिविल वॉर ने, इस ग्रह युद्ध ने श्रीलंका की सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक यानी इकोनॉमी ठप कर दी, समाज को एकदम बिखराव कर दिया, संस्कृतियां खत्म कर दी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं हुई। इसका मतलब, अगर मान लीजिए ये जो सिंहली है किसी तरीके से तमिलों को भी अपने साथ लेके आते, इनको सत्ता में भागीदार बनाते, ईसाइयों को बनाते, बौद्ध तो थे ही, बौद्ध धर्म के अलावा बाकी धर्मों को भी इज्जत देते, उनकी उपेक्षा ना करते, यानी सबको अगर सरकार में लेके आते, सबको सत्ता की साझेदारी देते, ये जो बेचारे जो लोग भी कह रहे थे उनकी बात को सुनते समझते, तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी हो गई, और आज तक आप देखते हैं कि वहां ये दिक्कत विद्यमान है। आपने देखा, सत्ता की साझेदारी ना करने पर श्रीलंका एक विपरीत उदाहरण दे रहा है। हमें ये दिखाता है कि जो बहुसंख्यक सिंहली समुदाय, अगर ये अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और सत्ता को बांटने से, साझा करने से इनकार कर देता है, तो एकता कमजोर होती है, देश कमजोर होता है। हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू ज्यादा है, 80% से ऊपर है। अगर मान लीजिए कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई या हिंदू अपने प्रभुत्व जमाने लगे, तो बाकी ईसाइयों का, मुस्लिम्स का, बौद्ध का, पारसियों का, इनका क्या होगा? हमारा देश इसीलिए बहुत बढ़िया चलता है क्योंकि यहाँ सभी धर्मों की, सभी लैंग्वेजेस की इज्जत की जाती है, इनका, इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। अब सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? अभी हमने दो एग्जाम्पल देख लिए। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हम दो तर्क देंगे। पहला तर्क ये हो गया, पहला है कि सत्ता का बंटवारा जो है वो ठीक है, इसको हम कहेंगे युक्तिपरक। क्या कहेंगे? युक्तिपरक तर्क। ये युक्तिपरक तर्क क्यों है? क्योंकि जो अलग अलग सामाजिक समूह है इनके बीच में जो टकराव हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, ये क्योंकि अधिकतर हिंसा होती है, मारकाट होती है, राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है देश में, देश से कोई ट्रेड नहीं करना चाहता, देश से कोई लोग बाहर भागने लगते हैं। तो अगर आप राजनीतिक व्यवस्था में सबका बराबरी का अधिकार देंगे, या फिर प्रोपोर्शनली, जैसे कोई 80% है, कोई 20% है, तो 8-2 का तो आप कम से कम दे सकते हैं। तो अगर बहुसंख्यक किसी तरीके से हावी होना चाहता है और बहुसंख्यक आप चीजें लागू करते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए तो लाभकारी लगता है। जैसे हिंदुस्तान में अगर जो हिंदू है वो पूरी तरीके से अपना राज स्थापित करने लगे, तो समय के लिए तो अच्छा लगेगा। अगर किसी और देश में आप, अगर हम जाए, जैसे श्रीलंका में हुआ, और किसी देश में देख लीजिए, जैसे पाकिस्तान में है, अगर पूरी तरीके से इस्लामिक करना चाहें वो, तो फिर हिंदुओं का क्या होगा? वहां की दिक्कत होगी ना। तो वो समय के लिए, उस समय के लिए अच्छा लग सकता है, बाद में बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत परेशानी पैदा होती है। इसको हम इसलिए युक्ति पर कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम क्या तर्क दे सकते हैं, यह है कि
साझेदारी, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये अपने आप समझ लीजिए कि ये लोकतंत्र की आत्मा है। आप जब साझेदारी करेंगे तो जो लोग आएंगे वो अपनी भागीदारी समझेंगे, वो समझेंगे कि हम सत्ता में हम भागीदार हैं, वो शासन व्यवस्था में आएंगे, जुड़ेंगे, अपने आप को शासन का पार्ट लेंगे। और जो लोग इनको इलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट है, वो किसी को इलेक्ट करता है ऐसी सीट से, तो शेड्यूल कास्ट जब जाएगा आपके संसद में या विधान सभा में, तो ये इनके लिए फाइट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसीलिए जो पहला युक्ति परक हमने देखा, ये नैतिक तर्क है, ये सॉरी युक्ति परक है। दूसरा जो है उसको हम नैतिक कह रहे हैं, पहला युक्ति परक है, दूसरा नैतिक है। युक्ति परक जो है ये बेसिकली समझदारी का है कि भाई देखिए परिणाम गंभीर हो सकते हैं, सब जितने भी लोग हैं, जैसे अगर आप हैं, आपके तीन बच्चे हुए, आपने बड़े बच्चे को सब दे दिया, दो बच्चों को कुछ दिया ही नहीं, तो दो बच्चे आपसे लड़ेंगे ना, बल्कि ये इससे भी लड़ेंगे। तो ये सीधा मतलब जिसे कॉमन सेंस है, युक्ति परक इसको कहते हैं, समझदारी का तर्क है कि परिणाम गड़बड़ नहीं होने चाहिए, गंभीर ना हो। नैतिक तर्क क्या कहता है आपको? नैतिक तर्क ये कहता है कि सत्ता की बंटवारा होगा तो सब लोग को बराबरी का एहसास होता है। जैसे आपके पास दुकान है, आप दुकान के तीन भाग कर दीजिए, इनको ये, इनको ये, इनको ये दे दीजिए, कम से कम ये तीनों मानेंगे कि हम हमारे पास ये सब पार्ट है, तीनों मिलकर काम करेंगे, दुकान को एक समझेंगे। मतलब दुकान तीन भाग में नहीं होगी, तीनों जानते हैं कि मेरा अपना अपना पार्ट है, लड़ाई झगड़ा कोई भी दिक्कत, अपने आप को ये भागीदार समझेंगे। तो सत्ता की जो साझेदारी है इसके कुछ रूप है। रूप क्या होते हैं, किस तरीके से सत्ता बन सकती है, इसकी सत्ता में हम पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं जिसको हम क्षैतिज कहते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, वर्टिकल को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इसके अलावा दो और है, पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ पावर बताता हूँ। ये हमारे देश में आप देखिएगा, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में जो पावर है, पावर वन, पावर टू, पावर थ्री, पावर बांट दिया गया है और सभी एक लेवल पे काम करते हैं, सभी एक लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी अपनी अपनी शक्तियों का ये उपयोग कर रहे हैं, साथ में ये एक दूसरे को चेक भी रख रहे हैं, यानी असीमित उपयोग ये नहीं कर सकते, ये इस पे चेक रखता है। अगर लेजिस्लेचर ने कुछ गलत कानून बनाया, जुडिशरी बिल्कुल आ जाएगी यहाँ पर, तो एक दूसरे पे अंकुश रखते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, जिसपे एक ही लेवल पे जो अलग अलग संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, काम करते हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी क्षैतिज व्यवस्था कहते हैं। और इसको दूसरे भाषा में हम कहेंगे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, क्योंकि संतुलित भी है ये, एक दूसरे पे नियंत्रण भी रखते हैं। दूसरा भाग आता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पर क्या है, सबसे हमारे देश में देखिए, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, यूनियन सरकार, हम उनको चुनते हैं, लोकसभा में लोगों को भेजते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है जिसकी मेजॉरिटी होती है। फिर हर एक राज्य, हमारे पास 28 राज्य है, 28 राज्य है, तो हर एक राज्य में अपनी एक सरकार चुनते हैं। फिर आइए नॉर लेवल पे, हमारा जो क्षेत्र है, वार्ड है, वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के लिए हम पंचायत का हेड चुनते हैं, और साथ में अगर आपके नगर निगम में है तो हम वार्ड मेंबर्स चुनते हैं, यानी पार्षद चुनते हैं, कॉरपोरेटर चुनते हैं। तो इसका मतलब तीन लेवल पे हो गया, और इसकी शक्तियाँ अच्छी खासी हैं, इसकी शक्तियाँ थोड़ी कम होंगी और इसकी शक्तियाँ बहुत लिमिटेड होंगी। तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो सत्ता बंटवारे के जो फॉर्म है, उसमें आपको कुछ और बता दूं, क्योंकि दो भाग और बाकी हैं, दो फॉर्म और बाकी हैं, कि अविभाजित राजनीतिक शक्ति की धारणाओं के विरोध में सत्ता के बंटवारे का विचार निकल के आया है, कि राजनीतिक शक्तियां जो हैं वो डिवाइडेड हों और कंबाइंड भी हों। लंबे समय से ये माना जाता था कि एक आदमी के पास, एक या कुछ लोगों के पास, या फिर एक समूह के पास सारे पावर होने चाहिए, लेकिन अब सत्ता का बंटवारे का मतलब ये है कि राजनीति में, राजनीतिक शक्ति में, पावर में, सत्ता में सभी का रोल है, सब लोग इसमें। इसलिए एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जो जितने भी समूह हैं, हमारे SC है, ST है, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी लोग आ सकें सरकार में, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, ये सुनिश्चित करना। जैसे महिलाओं के लिए ये आना, उनका 30% रिजर्वेशन देना, ये सब चीज़ें हमारी एक ऐसी हैं जो बंटवारे का फॉर्म बन सकती है। तो सार्वजनिक राजनीति, यानी ये कहें कि राजनीति में सबका, एवरी सार्वजनिक मतलब सबका आना, ये एक अच्छे राजनीति की पहचान। तो हमने दो लेवल के, दो तो देख लिए प्रकार, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ आपको, उसे कहते हैं अलग भाषा, अलग धर्म, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, जैनी भी हो, और आपके बुद्ध भी हों, बौद्ध भी हों, तो जितने भी अलग अलग भाषा बोलने वाले हों, समुदाय हों, उन सब का रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे महिलाएं हैं,
कमजोर समुदाय जो होते हैं वो उनकी भी हिस्सेदारी हो। तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ, महिलाओं के लिए चुनाव क्षेत्र हमारे यहाँ आरक्षित हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अल्पसंख्यक भी जो हमेशा डरे सहमे रहते हैं वो भी आके ये मान सकते हैं कि हमें, हमारे पास पावर है, हम सत्ता में हैं। तो इस तरीके की जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं ये वाला तीसरा वाला फॉर्म, ठीक। इसमें है सामुदायिक सरकार, इसको हम कहते हैं, पहले मैंने बताया आपको हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्षैतिज और फिर ऊर्ध्वाधर, इसको हम कहते हैं सामुदायिक सरकार, तीसरा ये हो गया। चौथा हम बात करेंगे, जैसे मैंने अगर तीसरे की बात करूं तो जैसे हमने जब बात की बेल्जियम की तो यहाँ पर फ्लेमिश कम्युनिटी अलग है, फ्रेंच कम्युनिटी सरकार अलग है, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी सरकार अलग है। अब आते हैं मिलीजुली सरकार यानी कंबाइंड सरकार, कोएलिशन सरकार। होता यह है कि जब हमारे जैसा देश हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, बड़ा विविध देश है, आप देखिएगा कि किसी भी इलाके में चले जाएं आपको वहाँ विविधता दिखाई देगी और एक क्षेत्र में भी विविधता दिखाई देगी। जैसे राहुल गांधी जी हैं ये कांग्रेस के हैं, अब यहाँ पर मुलायम सिंह के बेटे हैं ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये आरजेडी के हैं, तो अलग अलग जो ये मायावती जी हैं, तो ये अलग अलग पार्टियों को अलग अलग विचारधाराओं को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर ये सब मिलके, जैसे अगर सरकार बनी है, सब मिलके काम करते हैं और सब मिलके एक सरकार बनाते हैं जिसमें हर एक समूह का हर, जैसे ये किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मायावती जी जो वल्नरेबल या कहें कि हाशिए में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब को के लिए ये आवाज़ उठाती है या इनको रिप्रेजेंट करती है। तो जब सबके सब आ जाएंगे तो आप देखिए ये समाजवादी को रिप्रेजेंट करते हैं, सब मिलके आ जाएंगे तो जो विचारधाराएं हैं वो मिलेंगी, अलग अलग जो अलग अलग समूह है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको हम गठबंधन के सरकार कहते हैं। व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, सबके सब का हित यहाँ पर होगा और इसे हम कहते हैं ऐसा कोएलिशन सरकार या मिलीजुली सरकार, जैसे मैंने आपको बताया। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में डिफरेंस है, जो जो मैंने बताया वो डिफरेंस के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है।